नमस्कार, लाइव टीवी समाचार में मैं ज्योति पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों से। बवेरू दशहरा मैदान पर किया गया मेघनाद और रावण का वध। बांदा के बवेरू में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 17 दिवसीय श्री रामलीला कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके आज 15वें दिन जवारा मिलन के बाद राम रावण और मेघनाथ लक्ष्मण का युद्ध हुआ, जिसमें रावण मेघनाथ का वध किया गया, जिसके बाद लोग एक दूसरे से गले मिलकर विजयदशमी की शुभकामना दिए। वहीं सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस प्रशासन मौजूद रही। बवेरू पर विगत 175वें वर्षों से लगातार रामलीला कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री रामलीला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके आज 15वें दिन कस्बे के औगासी रोड स्थित दशहरा मैदान पर राम रावण का युद्ध और लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध कराया गया, जिसमें युद्ध से पहले कस्बे के सभी जवारों का मिलन कराया गया। उसके बाद रावण मेघनाथ वध किया गया और राम लक्ष्मण को विजय प्राप्त होते ही मैदान पर मौजूद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर विजयदशमी मनाया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए रामलीला मैदान से लेकर दशहरा मैदान तक पैच पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। इस मौके पर बवेरू विधायक चंद्रपाल कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल, पूर्व प्रबंधक डॉक्टर प्रकाश अग्निहोत्री, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि केशव प्रसाद प्रजापति सहित हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद रहे और क्षेत्र के प्रतिनिधि और हजारों की संख्या पर लोग मौजूद रहे। लाइव टीवी समाचार के लिए बांदा से रामू तिवारी की रिपोर्ट। करीब 175 वर्ष पहले से राम रावण का युद्ध होता था। दशहरा के अंतिम दिन में जब तक नौ दिन रामलीला होती प्रणाली उसके पश्चात विजयदशमी राम युद्ध होता था तो यहाँ खेला गया। इसी हम लोगों को मुख्य है सबसे सत्य की विजय सच करता है, यही हमारी है कि हम लोग आज विजयदशमी है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? विजय होता है कि असत्य की जीत सत्य की जीत असत्य होती है। सत्य हमेशा काम करता है, धर्म हमेशा काम करता है, धर्म हमेशा जीत होगी, ये हमारी शुभकामना है सब। वह क्या है ये 175 साल का दशहरा आज संपन्न हुआ। रामलीला मैदान में 15 दिन भगवान राम की लीला दिखाई जाती है। इसके बाद आज जो है 15वें दिन यहाँ दशहरा मैदान में राम रावण युद्ध, मेघनाथ लक्ष्मण युद्ध और इसी तरह से हमारे क्षेत्र की जनता आकर के हमारा उत्साहवर्धन करती है और यहाँ जवारों वालों का विशेष योगदान इस रामलीला समिति और मेला के लिए योगदान होता रहता है। आज दशहरा है और यहाँ पर राम रावण युद्ध और लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध का आयोजन किया गया है, क्या है पूरा? ये हमारे रामलीला संस्था का 175वां वर्ष है और ये आज विजयादशमी के रोज पहले पूरी रामलीला 17 दिन की हमारी रामलीला मैदान में संपन्न की जाती है। इसके बाद विजयादशमी के रोज राम रावण युद्ध दशहरे मैदान में जो औगासी रोड में स्थित है यहाँ पर रावण की मूर्ति है और यहाँ सुमेरगिर भवन है जहाँ पर इसी मैदान में राम रावण युद्ध और मेघनाथ लक्ष्मण का युद्ध कराया जाता है, जिसमें क्षेत्र के हजारों नर नारी दर्शक के रूप में उपस्थित रहते हैं और सारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस क्षेत्र का भी विकास कराया गया। लगभग 75 लाख की लागत से रावण अशोक वाटिका, अयोध्यापुरी मिट्टी की पुराई एवं इसकी दीवारों की बनवाई आदि में खर्च किया गया, जो मेरे ही कार्यकाल में 1990 से लेकर आज तक में 21 बार रामलीला का प्रबंधक बना और सारे जनप्रतिनिधियों से मिलकर जो भी मुझसे बन पड़ा विकास के कार्य कराता गया हूँ। जय श्री राम जी। आज दशहरा है और यहाँ पर राम रावण का युद्ध हुआ है, क्या है पूरा? भैया हर वर्षों की भांति जो हमारे बवेरू में एक प्रथा चली आई है राम रावण संवाद, इसके बाद होता है राम रावण युद्ध, इसी उपलक्ष्य में आज दशमी के रोज राम रावण युद्ध का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानित माननीय भाई और बहन बेटियां उनके दर्शन के लिए आई हैं। इसके आगे कितने का दर्शन। इसी स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन लाइव टीवी समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहे लाइव टीवी समाचार। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।
तो जुड़े रहिए हमारे साथ और होते रहिए हर खबरों से रूबरू। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।